उम्मीद है, किस भावना से आप इस चुनावी राजनीति में आए हैं? चुनावी राजनीति में इसलिए आए हैं कि जो भी प्रतिनिधि जो खड़ा होते हैं और जो काम करने के लिए कहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, विकास पूरा रुका हुआ है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि समाज में आए हैं और कि जो भी कार्यक्रम रुका हो उसको आगे बढ़ाए। तो जैसे कि पिछले बार जो 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 चुनाव हुआ था 2016 में, जो उस पद पर जो वार्ड सदस्य बने थे वो काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, करने के वजह से हमको समाज ने कहा कि आप सामने आइए, आप पढ़े लिखे हैं और इस काम को कार्य कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको कि हमारे जो भी पहले जो प्रतिनिधि है वो कुछ काम नहीं किए, उसके विरोध में करने के लिए और हम अपना जीत दर्ज करने के लिए इस रणनीति में आए कि गांव में जो पब्लिक है, जो जनता है, उनको अच्छा से हक नहीं दिया जा रहा है। जिस प्रकार से वो लोग अपना ही जैसे फंड आता है उसमें से कुछ घुसखोरी कर लेते हैं, घुसखोरी यही करते हैं या नहीं करते हो तो हमने देखा नहीं, लेकिन जो विकास तो रुका हुआ विकास है नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसका पैसा दलाली में चला जा रहा है। वो समझे, लेकिन हम तो अभी नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम प्रतिनिधि हैं, कैसे कह रहे कि नहीं वो घुसखोरी गया है, क्या किया तो पर वो अभी नहीं पैसा जो जानते मिला था तो क्या किया है? वो, तो अभी तो उनसे पूछेंगे। अभी तो पूछने का मेरा हक नहीं है। तो अब उनके आप बाद कब पूछिएगा? इससे पहले आवाज उठाए थे आप अपना पंचायत में? आप पंचायत में आवाज उठाए थे कि विकास रुका हुआ है, इतना पैसा आया, मतलब